ओम शांति। आदरणीय हेमा दीदी जी, आदरणीय वैशाली दीदी जी, सभी परम आदरणीय बाबा के रत्नों, जो भी दूर दराज में बाबा के फुलवाड़े के आप इतने बड़े भाग्य विधाता के घर के आप बाबा के नैनों के चिराग हो, सभी से मिलने का जो परम सौभाग्य आदरणीय दीदियों ने मुझे दिया, तो आज मुझे बेहद की खुशी हो रही है। शांति सरोवर से परम आदरणीय कुलदीप दीदी जी और शांति सरोवर निवासी दैवी रत्न और मेरे तरफ से आपको कोटि कोटि पदम पदम गुणा ऐसी स्नेह भरी याद प्यार हो, ताकि मैं तो आपके परम स्नेह को देख करके, आदरणीय दीदियों का ये स्नेह देख करके, मैं तो आपके स्नेह से पानी पानी हो जाऊं। मेरे नैनों से दो प्रकार के आंसू होते हैं, एक बात सीक्रेट बता दूं आपको, इधर से आने वाले नैन के आंसू दुख के आंसू होते हैं, इधर से आने वाले आंसू मोती होते हैं। जैसे आपको कोई पद्मश्री भूषण का अनाउंसमेंट हो जावे तो आपको लगेगा वाह, जैसे ओलंपिक खिलाड़ी लोग उनको कोई गोल्ड मेडल ले मिल जाता, सब होता तो उनके यहां से आंसू आने लगते, वो रोने लगते, सभी को लग रहा है रो, नो नो नो, ही इज नॉट वीपिंग, बट ही इज एंजॉयिंग द मोमेंट, ही इज एक्साइटेड इन हैप्पीनेस, ही इज पर्ल्स ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय ग्लेड आर फ्लोइंग दिस वे, इधर से आते हैं। तो आप ध्यान रखना, यहां से जब मोती आते हैं, जैसे बाबा की अति गहरी आप याद में रहते हो, मेरे को यहां से कब आए थे बताऊं, सिगरेट बताऊं, मैं पहली बार बाबा के घर मधुबन में, मैं 1978 जब मैं गया, वो बाबा वो मेरी खुशी का कोई पारावार ही नहीं रहा, जब पहली बार परम आदरणीय दादी माँ से मिले, उनके नैनों में इतनी स्नेह की बाढ़ आ रही थी, फाउंटेन बह रहा था, मुझे लगा मेरी 18 वर्ष की जीवन में, देखो 18 वर्ष के बाद मैं सिर्फ 3-4 महीने के बाद मधुबन पहुंच गया था, 24 अक्टूबर में मैं आया, 18 जनवरी में चला गया, फिर सबने बोला एक वर्ष आपको तो अभ्यास करना चाहिए, मैं बोला नहीं, भगवान इस धरती आता है मैं रुकूंगा ही नहीं, मेरे तो स्नेह के आंसू रात दिन बहते हैं, यहां तक मेरी जीवन बताऊं परम आदरणीय भाइयों सभी को, मुझे इतना नशा लगन लग गई कि जब पहली बार सेवा केंद्र में गया तो वहां पर देखो लाल लाइट में बैठे थे, पहली मुलाकात देखो कैसे अपने डियर डार्लिंग की, नैनू लैला मजनू की नहीं, हीर राजा की मुलाकात होती है ना, जैसे समझते हो ना, आप समझते हो ना, ये स्नेह भरी प्यार की कहानी है। तो जैसे मैं गया तो सारा साइलेंस में सभी डूबे हुए हैं, लाल लाइट बनी हुई है, पर ऐसे स्टैचू के तरह से काठमांडू सेवा करने विश्व शांति भवन नहीं था, उनके तो दूसरा सेंटर था, उसमें मैं पहुंचते ही मुझे लगा मैं कहाँ आ गया हूं, इस असहार की दुनिया से मैं कैसे डिवाइन वर्ल्ड में आया, परंतु मेरे मन में एक ही आया कि इतनी साइलेंस यहाँ है, लगता है कोई दुख मातम तो नहीं है, किसी का शोक सरावा तो नहीं मना रहे, क्योंकि साइलेंस ऑब्जर्व तो दुनिया में तो मरता है ना तभी करते हैं, वो तो रावण की दुनिया है, हमारे पास तो राम की दुनिया, बाबा की दुनिया, पर किसी के चेहरे में साइन एंड सिम्टम वर नॉट देयर, यानी यू नो डिसअपॉइंटेड हर्ट एंड सरो ग्रीफ के कोई आंस ऐसे चेतवन ही नहीं थे, नहीं मुझे नहीं नहीं ये कोई चीज अलग चीज है, कोई अलग चीज है। मैं भी शांत सहमा करके बैठ गया, मेरे को आता ही नहीं था व्हाट इज योग, व्हाट इज क्या कंसंट्रेशन इत्यादि, व्हाट इज सोल, व्हाट इज सुप्रीम सोल, कुछ है ही नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं। तब फिर जब व्हाइट लाइट हुई, ओ बाबा ये सब मैंने स्टैचू अब मूव कर रहे हैं, मुझे ताजुब लगा, ऐसी बेस्ट ऑन बेस्ट ट्रेनिंग टू बी सीटेड इन साइलेंट एंड स्टिलनेस, ओ माई गॉड दिस इज अमेजिंग, मैं समझा कि ये तो कोई हो ही नहीं सकता। पर फिर जो भाई मेरे को ले जाया था वो मेरा लंगोठिया यार था, लंगोठिया यार समझते हो, बचपन का बस ही बचपन के यार दोस्त था, बिल्कुल नन्हे मुन्ने से हम मिले थे, हम दोनों सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उसके पास गया तो उसने ले गया था, अब मैं तब उसने इंट्रोड्यूस कराया दीदी से, सेकंड दीदी से,
फर्स्ट दीजिए, अभी हेमा दीदी से नहीं मिला हूं मैं, अभी जैसे वैशाली दीदी से मिला हूं, समझो। तो फिर शीला दीदी ने मेरे को बोला, उसने परिचय कराया, आपके पास टाइम है? बोला नहीं, जरूर है दीदी, बोला। फिर उन्होंने एग्जीबिशन समझाने के दिया, जहां शिव शंकर के चित्र के पास पहुंचता हूं वो लोग बोले शंकर अलग शिव है, माई गॉड, मेरे तो मन में और जो आत्मा में ज्वार बटा आ गई, मैं तो ओम नमो शिवाय बोलता हूँ, तो शंकर महादेव के जटाई 108 बार जो है रात को सोने से करता था। देखो मेरी लाइफ स्टाइल है, पशुपतिनाथ के मंदिर में बस खुले पैर जाना, दर्शन करना, यही मेरी लाइफ स्टाइल। उसके बाद बोला कि इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू हैव टू डू कोर्स, मेडिटेशन कोर्स। ओके, क्यों नहीं, ये तो जरूर करूंगा, मेरे तो हलचल आ गई, मेरे तो भूचाल, आप तो भलकिन फोड़ दीजिए। फिर उसके बाद कोर्सेस ऑफ करने के बाद देखो फिर वो लाइफ ऐसी रही कि बाद में कुछ, अब इसे लंबे चौड़े में नहीं जाऊंगा। फिर मैंने बोला कि मुझे मधुबन जाना है, मधुबन की बात सुना रहे थे दीदियों ने बोला कि एक वर्ष लगेगा। मैंने बोला इतना बड़ा सृष्टि का भाग्य विधाता आया है, आपने सुना है सब, हम एक वर्ष कैसे रुके, मैं कुमार हूँ, देखो मैं तो प्योर वेजिटेरियन सब कुछ हूँ, मैं अनन्य शिव का भक्त हूँ, पशुपतिनाथ के मंदिर में बिना पैर जाता था दर्शन के लिए। देखो फिर भी देखो लास्ट जन्म में मेरी ये जीवन शैली रही दीदी, देखो भाइयों बहनों। तो फिर मैंने बोला कि बाबा मेरे को, दीदियों ने बोला तुम पत्र लिखो प्रकाश मणि दादी को, मेरे को हिंदी नहीं आती थी, देखो मैं तो नेपाली भाषा जानता था, थोड़ी इंग्लिश बस वही थी मेरी जीवन। मैंने रात को 2 बजे उठ करके बाबा से बोला तू सच्चा भगवान है तो मेरे को हिंदी सिखा और मुझे आपको पत्र लिखना है। मीठे बाबा, उनके प्यार में मेरे नयन में मोती बहते थे और कमरे में अकेला था, ऐसे कलम कापी ली, ऐसे शब्द कैलकुलेट कंपोज होने लगे मेरे माइंड में, सब ब्रेन में आने लगा, प्राणेश्वर बाबा मुझे आपसे जल्दी से जल्दी मिलाओ, ये सब लिखते लिखते मैंने पूरा लिखते लिखते 200 दिन दीदी को दे दिया। दीदी को देते ही दीदी बोली तेरे को हिंदी आती है? मैं बोला बाबा ने सिखाया मेरे को हिंदी। तो उसके बाद देखो सब कुछ हो गया, तो उन्होंने भेजा दादी प्रकाश, उन्होंने इस बच्चे को लाओ, ठीक है, आई गॉट परमिशन, समझो। 4 महीने के बाद मैं 18 जनवरी के दर्शन के लिए 1978 में चला गया। फिर बाबा से सब मिला, सब चीजें हुई, करंट लगा, जो भी इतना उड़ा दिया बाबा ने। फिर मोहिनी दीदी ने इंट्रोड्यूस कराया बाप दादा को, बाबा ये लोग 5 दिन की यात्रा पहाड़ों से होकर के आते हैं यहाँ आने के लिए, 5 दिन इनको लगता है बाय ट्रेन बाय बस इत्यादि ये सब करके। बाबा ने इतनी दृष्टि दे करके मेरे को उड़ाया, यहाँ से आत्मा ऐसी उड़ी बाबा के पास चले गई। सब मैं बोला बाबा, ये मेरे साथ कजिन ब्रदर भी था, वो उन गुलजार दादी के तन में जो बाबा आए थे उनको दृष्टि नहीं दे सकता था। मैंने कहा मैं क्यों नहीं, मेरा बाप है मैं क्यों नहीं दूंगा, मेरा तो बाबा है, इसके गोद में जाना है मेरे को, पूरा एकदम दृष्टि दे दी। ऐसी स्नेह की वर्षा बाबा ने की तो मेरे स्नेह के मोती बहने लगे। फिर बाबा ने बोला बच्चे कौन जाओगे आगे? मैं जाऊंगा बाबा, बोला मेरे मुख से निकल गया। फिर बाबा ने बोला अमर बाबा, हम देखो ऐसे थे, इधर गुलजार दादी के तन में बाप दादा आए, इधर हमको स्टूल में बैठाया था, समझे, टूल में एक बिठा दिया बस उसमें जाने, फिर हमको बैठ गए तो ऐसे। फिर बाबा ने बोला मोहिनी को 5 टोली ला, इसको 5 दिन का यात्रा करके आया है ना। बोला अरे मैं खुशी हूं, मेरे तो सबसे बड़ी स्वीट मेरा फेवरेट था। फिर बाबा ने एक गिट्टी दिलखुश टोली पीली वाली ऐसे खिलाया, ओ मेरे बाबा। मैं बोला मेरे माँ बाप को भुला दिया आपने, क्योंकि सृष्टि का परिवार था लौकिक परिवार, 5 भाई थे, नहीं 7 भाई 5 बहनें, हम एक 1 डजन था फैमिली, 60 की भोजन हर रोज हमारी पत्ति थी। देखो ये हमारी सीक्रेट है लाइफ की, मैं आपको बताई देता, आज मैं नहीं बताया और को आपको बता रहा हूं, क्योंकि दूर दराज के मेरे भाई बहने हो ना, तो फिर इसलिए हुआ। तो फिर बाबा ने जो एक गिट्टी टोली की खिलाई, इससे इतना शक्ति भरा, मेरे बहुत स्नेह के आंसू पहले, जैसे हुक आ गया पर हुक नहीं निकाला मुझसे, जैसे मैं ऐसे हो रहा। फिर उसके बाद मिले, सब कुछ हुआ। मैंने अपनी दीदी को इमीडिएट, दीदी को शीला दीदी लेकर उनको पूछा, मैंने कहा क्यों ये इतना मैंने आंसू आते हैं दीदी? बोला नहीं भाई, ये तेरे को दुख हुआ क्या? ना, ये तो स्नेह के मोती है, तू 63 जन्म से तेरी आत्मा तड़फ रही थी उस साजन के साथ मिलने के, तो ये साजन और सजनी का रूहानी प्यार है, आत्मीय प्यार है, परम पवित्र प्यार है। ओ बाबा, अब ये प्रोग्राम सेट होता जा रहा है मेरे माइंड, क्योंकि मैं तो 4 महीने का तो क्या मैच्योरी नहीं होती नहीं योग की स्टेज। फिर भी देखो बाबा ने कैसे वो सब चाहे थर्ड आई खोल करके कैसे उसमें अनलिमिटेड शावर को बरसाया, तो वो हुआ। अब मैंने वो रात में रात भर नहीं सोया,
क्यों नहीं सोया? जो सोऊंगा तो जो बाबा के साथ मिलने हुए या आनंद की अनुभूति हुई है ये भूल जाएगा, तो मेरे को मिस हो जाएगा। तो आई हैव गॉट दिस 30 जन्म के बाद पाया हूँ, मैं लिखा लिखा सब लिखा, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ लिखा, और दूसरे दिन के लिए प्लान बनाया मैंने, अब मैं सारे प्रदर्शन सेट खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फैमिली के हिसाब से पहले सबको ध्यान में सब पूरा। दूसरे दिन मैं तुरंत गया वो लिटरेचर स्टॉल से सब चीज बुक इत्यादि सब खरीद करके पूरा देखो, पांडव अपने हाल हथियार लेकर के रिवॉल्वर लेकर के खड़ा हो गया, अभी देखो इतनी ताकत, मेरा न्यू लाइफ हो गया। देखो मेरे पास उतनी उमंग उत्साह की स्थिति नहीं थी, फिर भी देखो बाबा ने एक गिट्टी में मेरे को जो भरा, उसके बाद देखो मैं घर में गया। सबसे पहले पापा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, इधर सिगरेट की तरफ आऊंगा, पर तो सुनो, तो पापा के पास गया, पापा वो चैन स्मोकर लौकिक पापा, मैं घर में ही गया। उन्होंने अब कितने सालों से मैं पढ़ाई में से आया हूं, तो उन्होंने बोला कि आज सूरज सिंह ये थोड़ा ज्ञान शान की क्या बातें करता है, इनका पिताजी के साथ बेड रख देंगे, ये पिताजी के रात में सोए, एक बेड में मेरे को रख दिया एकदम पिता, अब अमृत वेला योग कर रहा हूं मैं, यू आर चैन स्मोकर, वो सो 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 करके 10 नंबर उंदरों जैसे मार्लो बोरो होता है ना आजकल, ऐसा सिगरेट लेकर के पी रहा था। मुझे लगा तो गए बाबा, मैंने बाबा को बोला आपको मधुबन से मिल के आ रहा हूँ बाबा, मुझे अगरबत्ती खुशबू आनी चाहिए और इसकी स्मोकिंग की खुशबू आएगी। जैसे बाबा को ये बोला, उसको इतनी जोर से कफ हुई, इतनी जोर से कफ हुई फादर को, कफ होते होते उसके आंख में आंसू आ गए। तो फिर बाबा ने दूसरा संकल्प मेरे को, अभी लोहा गर्म है हथौड़ा मार, समझते हैं लोहा गर्म है हथौड़ा मार माने, क्योंकि वो आम है तो उस तरह से शेप आ सकती है ना उसकी। बोला बाबा ओके बाबा, मैंने बोला पिताजी आपको दे बहुत दुख तकलीफ दे रहा है, छोड़ दो ना, आपकी लाइफ को खराब कर रहा है, ये निकल गया। पर मैं ऊपर चार हैं, नहीं ऊपर तीन है नीचे तीन है, मैं सातवां था बीच का मिडिल, मेरे को तो अधिकार ही नहीं है उनको बोलने का, क्योंकि बड़ा भाई ऊपर बैठा है छोटे भाई, और मैं बीच का, मज लगे तो हालत खराब होती है ना। निकल गया बाबा से, निकल गया ओके। जैसे हम दिन में, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस था सब चीज था, जैसे दुकान में मॉर्निंग में बैठे हुए थे, उधर से कोई साधु जा रहा था, साधु को बुला 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 पिताजी ने बोला, बुलाया तो उन्हें नौकर को बोला, ओ मेरे जो रूम में पड़ा हुआ है ना सारा जो सिगरेट्स 10 नंबर्स लेकर के आओ। मुझे हलचल, उन बड़ा भाई मेरे को आंख देख बुला ऐसे देख रहा है, क्या किया तूने, बोल रहा ऐसे, पर आई वॉज साइलेंट ओके। वो सब मंगा करके पिताजी ने बोला आज से मैं नहीं पीऊंगा, लो साधु बाबा आप पी लेना करके, टोटल सिगरेट की पैकेट सब चाहे डोनेट कर दिया, ये सिगरेट है देखो। तो मैं बोला, मैं बाथरूम में जाकर नाचने लगा, वाह बाबा आपने कमाल कर दिया, ये पहली मुलाकात मुझे विजयश्री बनाए। अब अभिन्न जैसे देखो कृष्ण का भांजा था ना, मेरी भी यही हालत है, मैंने एक तीर मार के एक अश्व को तो मार दिया, समझो मेरा ही पिता था मेरे को जन्म देने वाला, पर उसकी स्मोकिंग को तो मुझे छुटानी थी ना। 35 ईयर्स वही वॉज चैन स्मोकर, एक पिता है दूसरा जलाता, एक पिता है दूसरा, ओ माई गॉड दिस इज पजल, हाउ कैन आई टोल्ड इट जस्ट टू सी स्लीप विद हिम, नहीं मैं तो टोल्ड, पर ये हो गए। फिर उसके बाद सिस्टर इन लॉ थी, अब उनके भोजन उनके पल्ले था, अब मैं तो भोजन नहीं बनाता, मैंने बोला उनको बोला भाभी जी क्या है, बोला मेरे को बहुत सुप्रीम सर्जन ने मेरे को बोला है बहुत चीज, एक चीज छोड़ने के लिए बोला है जो चीज तेरे हेल्थ के लिए ठीक नहीं बोला। और सुप्रीम सर्जन जानते हो कौन है, सुप्रीम सर्जन बाबा है ना हमारा, तो वही है। क्या है, मांस मच्छी तो छोड़ो, लहसुन प्याज भी नहीं खाओ, बोला तुम्हारी हेल्थ सब खराब हो जाए, तुम जल्दी मर जाओगे, बोला है। मैंने इतना झूठ बोला बाबा से, देखो बोला तो उसने बोला अच्छा तो आपके हाथ में किचन है, आपके सब नौकर चाकर है प्लीज। उन्होंने बोला ठीक है देवर जी, आप कुछ दिन के लिए आए हो तो आपका तो मैं आज ध्यान जरूर रखूंगा, उन्होंने अवॉइड कर दिया नहीं डाला। तो उस दिन से मेरे को बिना लहसुन प्याज का भी भोजन मिलने लगा, पर मैं ज्यादा नहीं रहा, 3-4 दिन बैठ के आ गया ऊपर काठमांडू, आ गया वो तो ओम शांति। बस ये दो चीजें घर वालों को मैंने दिया और प्रदर्शनी घर में लगा दी, तो सबकी वहां सेवा हो गई। उसके बाद समझो काठमांडू आते बहुत बहुत यानी दीदी राज दीदी की पालना में पला सब चीज और हुआ। पर एक बार का मैं सिगरेट आपको बताता हूँ कैसे बाबा हर काम को करता है। किंग्स की बर्थडे थे, हम रॉयल पैलेस से 500 फीट दूर ही मात्र थे हमारा जो आश्रम, तो उसकी सब चीज सुनाई देते थे बैंड बाजे। देखो 58 का बैंड टीम था, देखो उसका ये सिगरेट बताता हूँ मैं, रॉयल फैमिली की क्या होती है, आप सब राजाएं हो सब जा रहे हो वहां जाओगे ना सत्यंग में, तो उसकी 58 की बैंड टीम होती थी। सुबह एक धुन बजती थी, ये क्या है,
अभी राजा उठ रहा है जागृति की धुन है, ओ माय गॉड। फिर दूसरा क्या है, अब ये वॉक कर रहा है, ये वॉकिंग की धुन है। अब ये क्या है, अब ये स्नान कर रहा है, स्नान करने की धुन है। अब ये क्या है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, ब्रेकफास्ट की धुन है। अब इसके बाद और धुन है, फिर उसके बाद ये लंच कर रहा है, लंच की धुन है। फिर एक बाद मिल कर रहा है, ये लंच वो उसकी धुन है। फिर ये डिनर कर रहा है, इसकी धुन है। फिर उसके बाद सो जा रहा है, ये उसकी धुन। मुझे अब लगने लगा कि हाँ बाबा ठीक बोलता है, सत्युग में तुम्हारे सहनाइयां बजेंगे, उसी के साथ उठोगे, जागोगे, सब चीज करोगे। तुम्हारे विंडो डोर में कहीं भी कर्टेन दरवाजे बिल्कुल ही नहीं होंगे, सिर्फ फ्यूनिंग माने ट्यूनिंग फोक के आपके सहने सभी ऐसे ऐसे होंगे करते, इसी हिसाब से अभी जाओ। मैंने सब ये देखा। पर उसकी बर्थडे के दिन दीदियां सब जा रही थी वहां, मेरे को बोला सूरज तुम भी चल। हाँ ठीक है दीदी, चलता हूँ बोला। सब सौगात की चीजें ले जा रहे हम रॉयल पैलेस में जा ही रहे, तो वहां अनाउंसमेंट आया था, क्योंकि उन दिनों माओस्ट का एक्टिविटी था नेपाल में, तो वहां अनाउंसमेंट है आज कोई बम रख करके आपको स्वागत में बर्थडे के दिन में डालने वाला है, इसलिए केयरफुल, ऑल गिफ्टेड एंड ऑल फ्लावर्स बंस एंड एवरीथिंग विल बी नॉट अलाउड। बोला देखो, क्योंकि अब बाबा क्या कर रहे थे, मैं गया लक्ष्मी नारायण का बहुत अच्छा फ्रेम चांदी के फ्रेम में रख करके, राह दीदी और बहने थे, मैं भी साथ में था। उन्होंने बोला कि वी आर नॉट अलाउड, मैंने हम नहीं अलाउ कर सकते किसी का, नहीं आप इधर जमा कर दो। तुरंत बाबा मेरा गिफ्ट जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, जो विश्व का महाराज है, आपका ये चाहे लौकिक राजा के पास कैसे नहीं जाया गया, तो लिमिटेड किंग है। मैंने बोला अच्छा, तुरंत ठाटा बाबा ने बोला बच्चे इसको बोल कि आपके राजाएं को अशुभ होता था, ये ओल्ड एम्परर का जाने वो उसकी ब्लेसिंग है। बस यही निकल गया। अच्छा सिक्योरिटी साहब एक बात सुनो, ये ओल्ड एम्परर लक्ष्मी नारायण है, चक्रवर्ती सम्राट है, सारा जल में राज्य, सारा थल में राज्य, सारा नव में राज्य करने है। चक्रवर्ती का सीक्रेट समझते हो ना, सारा जल, सारा नव, सारा थल में राज्य करने वाले को चक्रवर्ती बोलते हैं। ये ऐसे चक्रवर्ती का चैन, ये यादगार गिफ्ट है बर्थडे का, इसलिए आपको ये जरूर हमारे द्वारा देने दो। ये बाल ब्रह्मचारी बहने हैं, इनके हाथ की ब्लेसिंग तो जरूरी है। आप बम सम की बात छोड़ो, ये तो बहुत बड़ा आपका ब्लेसिंग का बम है। ये चीज तुरंत रिपोर्टिंग के उनके 3000 वहां लोग बैठते थे सिक्योरिटी के, तो सिक्योरिटी पर्सन के पूरा चैन जो आर्मी का हेड होता था उनकी सिक्योरिटी, उनके पास ये गया कि ऐसे ब्रह्मा कुमारी का एक भाई ऐसे ऐसे बोल रहा है उनके बारे में, ये पता है। अरे तब तो यह सुख उनको भेजे। देखो हर स्टेप में बाबा एक विजय श्री का चाहे झंडा हमारे आगे लहर रहे थे, जहां को राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, यदि सारा जग बैरी हो। आप भी समझते हो ना, आपके स्टेप स्टेप में ये अनुभव होते जा रहे होंगे ना, ये माइलस्टोन ऑफ और स्पिरिचुअल जर्नी इन ब्राह्मण लाइफ में। तो गए तो राजा मुस्कुरा करके बस वो सौगात दीदियों से ले रहा है, वो उनसे फूल गया। जब उन्हें मैंने भी एक चाहे ग्रीटिंग्स का कार्ड था वो भी दिया, सब दिया। इवनिंग में 10 टीवी चैनल जो भी थे उनके द्वारा और पूरा लाइव रेडियो से सब चैनल FM रेडियो से ब्रह्मा कुमारी का न्यूज जा रहा है। एक ही ब्रह्मा कुमारी को देने को मिला ना, टोटल प्रजा नहीं, केवल प्राइम मिनिस्टर दिया, मिनिस्टरों ने दिया, चीफ जस्टिस ने दिया नहीं, उसके बाद स्पीकर ने दिया, बहुत इनके साथ बस, बाकी ब्रह्मा कुमारी। इतनी सेवा हुई परम आदरणीय भाइयों, क्या बताएं। वो अपना करुण करावन हार कराता है। देखो ये चीज हमने हर जीवन की सेक्रेट देखी। फिर उसके बाद मैं आपको बोलता हूं, ये तो सब समझो ऐसी सेवा की बात है। अब मैं आपको आज अपनी यात्रा में जो सिगरेट की यात्रा में जाऊंगा, नहीं आपके टाइम तो है ना बहुत, कितना है टाइम अभी, ठीक है ना, कोई टाइम की स्कार्सिटी तो नहीं है ना। एक आपके पास 1 घंटा और है, चलाइए। तो हम जब अपने बाबा के परम धाम से हम आत्माएं उतरते हैं, क्योंकि ज्ञान समझते बहुत टैलेंट बुद्धि थी, इतने की बात मत पूछो। वो कोर्स कराने वाली जो माता थी मेरी, वो अनपढ़ थी, 6-7 क्लास पढ़ी होगी, उसके लिए मेरे को 1000 प्रश्न माइंड में आते थे, पर मैंने बोला ये डिवाइन सोल है, इनके पास इतनी प्योरिटी है, इनके पास इतनी पॉजिटिविटी है, इतना ग्लो है चेहरे में, इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ, फिर पेंडिंग रख देता हूँ प्रश्नों को पूछने का। फिर घर में जाता हूँ, है बहुत प्रश्न थे, नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन होता है, क्यों नहीं जाऊंगा, ऐसा परम सौभाग्य मिला जाना है। फिर गए, फिर करते 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 उन्होंने सेट करते हुए लाई। फिर उसके बाद देखो उन्होंने ये भी बताया हमको कि देखो
अब आपको हाथ से ही पकाना है, सब भोजन सब करना है। कमाल है, 5 स्टार में, 3 स्टार 4 स्टार में खाने वाले को अब पकाओ, बोले तो हम स्टूडेंट है, वहां पढ़ाई के लिए गए हुए, बाल यहां तक के थे मेरे, थोड़ा ये भी बताने को आपको मन लगता है यहां तक। और मैं हाइड्रोजन डालता था, हाइड्रोजन से जब जो कीड़े होते हैं ना क्रिश्चियन विचार भाई लोग के, जैसे मेरे बाल हो जाते थे, और यहां तक ये चैन घुटने तक का पॉइंटेड शूज पहनता था, चैन वाली 007 बेल्ट लगाना और बेल बॉटम पॉइंट पहनना। और इंग्लैंड का ट्वीट मिलता था उन दिन, क्योंकि वहां ठंडी जगह है, उसका ट्वीट और 3 पीस वाला सूट पहन के ऐसे रेनट टाई सब, और रेबान में चश्मा पहनता था, आपकी अमेरिका मैं खरीदा था ग्रीन कलर की। इतने प्रकार की सोफिस्टिकेटेड जीवन को पहली बार मेरे दीदियों ने बोला, बाल काटो जी सेक्रेट, कृष्ण जैसा बनना है ना आपको। मैंने बोला कृष्ण के तो बहुत बाल बड़े हैं, पर इस समय आप बनवा में बैठे हो तो आपको सब चीज को करना, बनवा समझते हो ना, बनवा माने कोई भी जैसे मारी मैरिज होती है उसके पास गंदे गंदे कपड़े पहन के ऐसे ऐसे बैठते, फिर उसका वो होता है। इस प्रकार सब चीजें हो गई। अब क्या हुआ कि देखो प्रेशर कुकर में खाना बनाएंगे जैसे समझा, अब उसमें 3-4 कंपार्टमेंट का अंदर का बॉक्स खरीदा और बाहर प्रेशर कुकर है, उन दिनों चाइनीज का मिलता था वहां पर। अब उसके अंदर हमने पकाना, तो फर्स्ट लाइफ में तो हम देखा ही नहीं, पता ही नहीं है नौकर चाकर ने पकाना, घर में तो ये सब हमको तो मालूम ही नहीं है। अब सबसे नीचे ने हमने देखो सब्जी डाली, दाल डाली, फिर उसके ऊपर चावल डाले, पर पानी ज्यादा ही भर दिया, करीब 80% पानी भर दिया उस प्रेशर कुकर में। अब लगाया तो कुछ कुछ गैस से निकला, फिर उसके बाद वो निकाला तो भड़क पानी आया, तो यहाँ जल गया सब। ओ बाबा शिव बाबा ये क्या कर रहे, मेरा तो हाथ ही जल गया। बाबा को ही तो बोलना है और किसको बोलेंगे, वहां तो हम तो है नहीं, फैमिली तो बहुत दूर है, 500-700 किलोमीटर दूर है। तो मुरली क्लास में 2 टाइम क्लास करते थे शुरू में, फिर जैसे ही बैठे पीछे बैठे हुए दीदी ने ऐसे दृष्टि दी थी, हमारा तो कुंगला हुआ चेहरा देख लिया, देखो इनके पास बहुत बड़ा टेलीस्कोप है ना, दीदियों के पास होता है कि नहीं, आप सब समझते हैं ना, ये सब दृष्टि देते तो उस समय समझो इनका माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ऑन है, हमको पूरा देख लेते हैं, दीदियों में ये वरदान है, दीदी को ये वरदान होता है। देख लिया उदास चेहरा, हम दोनों भाई बैठे हैं उदास से, फिर दीदी ने मुरली पूरा होता, क्या हुआ भाई आप इतना कुमलाया हुआ चेहरा क्यों है, दीदी भोजन पकाया ये हाथ जल गया। अरे तुरंत बुलाया दीदी ने, टोली लाओ, टोली खिलाया। हम फिर खुशी के सुने से आंसू आने, क्योंकि कहाँ टोली बनाया हमको, तो वहां आप घर की टोली खानी, बाहर का तो खा ही नहीं सकते। फिर उन्होंने बोला है सिला लाओ, इनका बहुत खराब हुआ, तुम लोग कैसे बोल दिया ऐसे बनाने के, आओ। बोला प्रेशर कुकर मंगाया, कंपार्टमेंट डाले, यहाँ इतना पानी डालना होता है तब बनती है सभी चीज। अच्छा अच्छा ठीक है। उस दिन हमको ब्रेकफास्ट भी करा कर बस इंजीनियरिंग कॉलेज भेज दिया, हम पढ़ाई में चले गए। शाम को आए, देखो भाई ऐसे दिए टीचर ने, दीदी ने, अब हमको एक्स करेंगे, तो नीचे सब्जी, बीच में दावल, ऊपर में चावल डाल के बस इतना ही पानी डाला तो जैसे लगाकर सब चीज हुआ, तो फिर गैसेस निकाला, बाप रे वंडरफुल, इतनी अच्छी सब्जी, इतने दाल सब चावल सब बने हैं। हम लोग नाचने लगे, बाबा आपने कमाल कर दिया, वही गीत बजता था उन दिनों, देखो तो ऐसी खुशी हो गई। इस प्रकार से सब चीज रहे ये सब जीवन के। अब देखो उसके बाद में आपको ये सब छोड़ो, अभी इनको भूलो, ये विस्तार में हम चले गए, अब सार में आए। तो हम जब ज्ञान की हमारे अंदर गहरी बातें आई तो हमको जैसे दादियों दीदियों से जो सुप्रेरणा मिली, और हम जो परमधाम की यात्रा का जब समझने लगे कि भाई ऐसे ये संगम की वरदानी समय का ये चीज है, सब करके सब समझे, उसके बाद सभी गुण इत्यादि विशेषताओं की बातें भी आई, तब अब मैं आपको इस बात को बताता हूं कि जो हमें बाबा ने 16 कला बताई, तो 16 कला की बातें मेरे मन में खिटकती थी, क्या है ये 16 कला, व्हाई ओनली 16। तो बाबा ने ये समझाया कि बच्चे ये प्रशासन की कला है, ये वेस्ट को बेस्ट में चेंजिंग करने की कला है, ये देखो ट्रांसफॉर्मेशन की कला है, ये स्वीट टॉकिंग की कला है, और लीडरशिप की कला है, लर्निंग करने की कला है, राइटिंग की कला है, टीचिंग की कला है, नहीं स्माइल रहने की माने रहने स्माइली चेहरा बनाने की कला है, और फिर स्वीट टॉकिंग करने की कला है, और हेल्दी रहने की कला है, इंटरटेनमेंट की कला है, और सस्टेनेंस की कला है, और उसके बाद देखो कि आपको इसके साथ हेल्दी लिविंग की कला है, हेल्दी और रिलैक्सेशन की कला है,
क्योंकि रिलैक्स करना भी किसी को नहीं आता, ये भी देखो कला है। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेंस की कला, और इसके साथ साथ डिवाइन बिहेवियर की कला, और फिर उसके साथ साथ देखो और भी ट्रांसफॉर्मेशन की कला। तो ये सब चीजें सब समझाने के बाद मुझे लगा कि हाँ एक बाय एक अपने जीवन में धारण करूंगा। तो अब 16 कला का भेजना, पर मुझे ये मन में लगने लगा यहाँ की कला और सत्य की कला ये राज क्या है। तो बहुत अव्यक्त वाणी में आने लगा कि रिगार्ड देना, रिगार्ड लेना, स्माइली फेसेस रखना, और बेफिक्र बादशाही होकर के रिलैक्स करना। और प्रशासन की कला तो सत्य में चाहेगी जाइए नहीं, और फिर आदर्श को अपना बनाने की कला, ये कला यहाँ काम आई, वहां नहीं, वहां तो अपने सभी बने हुए है नहीं। और स्वीट टॉकिंग की कला भी वहां सबके पास है। इन सब चीज का सीक्रेट जीवन में आते गया, तो फिर मुझे लगा अच्छा ठीक है बाबा, अब मुझे लगा कि ये गुण की बात आई थी, गुण की बात है, मुझे लगा कि अच्छा सबसे पहले तो 7 गुण पहले दिन ही बता दिया। देखो 7 गुण को मैं अपने हिसाब से बांटने लगा। अच्छा आप बताओ संडे के दिन कौन सा गुण अपनाएंगे? संडे के दिन गुण ऑफ नॉलेज, क्योंकि ज्ञान सूर्य बाबा है ना, सीक्रेट। संडे को डे ऑफ नॉलेज के रूप में मनाओ, क्योंकि 7 गुणों में डिवाइड कर दिया। मंडे को डे ऑफ पीस में मनाओ, नहीं ट्यूजडे को डे ऑफ हैप्पीनेस को, वेनेसडे को डे ऑफ लव में, ठीक है। उसी प्रकार देखो थर्सडे को डे ऑफ ब्लिस में, और फ्राइडे को डे ऑफ प्यूरिटी में, और सैटरडे को डे ऑफ पावर में। बहुत मजा आता है, मुझे इतना मजा आया कि उन दिनों में ऐसे ऐसे करते धारण करने लगा, तो अपने लगा ये रिसेप्टिव है। फिर उसके बाद मैं सुनने लगा क्या है 32 लक्षण, आपको मालूम होगा 32 लक्षण के बारे में, आपको मालूम होगा ना क्या है 32 लक्षण। आप देखो सदा शिव बाबा का चित्र देखो, उसमें 32 हिंदी में 32 इंग्लिश में लिखे हुए, वो स्पेशलिटी अब वो हमारे जीवन में आने, वो भी 32 लक्षण आपको आने चाहिए। फिर अब आता है गुण में, अब जो वो तो सूक्ष्म गुण थे, अब स्थूल गुणों के बारे में पढ़ाया गया था हमको। अष्ट गुण का देखो गुलदस्ता देते थे नहीं, वो समझते थे हाँ अंतर्मुखता, मधुरता नहीं, सहनशीलता नहीं, उसके बाद हर्षित मुक्ता नहीं, ये सब सीखते। 8 गुण है उन्होंने जो, फिर उसके बाद चाहे धैर्यता मधुरता ऐसे करके, फिर उसके बाद फिर मैं परिचय पढ़ा ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर मैंने सॉरी माउंट आबू में जो अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय, उसमें 36 गुण थे। अच्छा 36 गुण, फिर उसके बाद पढ़ा 54 गुण थे। अब टोटल गुण कितने हैं कौन बताएगा, बताओ सीक्रेट बताओ। 64 टोटल गुण का पैकेज है जो हमारे पास होनी चाहिए, ये सब गुण की संख्या है। और फिर शक्ति अष्ट शक्ति आप जब जानते हो, कला 16 हो गई। तो ये सब चीज हम संगमी में अपना खजाना जो है ना 84 जन्म के लिए भोजन को जमा करके, पूंजी को जमा करके, अपने संस्कारों में संस्कार कर करके जब हम उड़ते हैं, तो जब हमारे सब कर्म भोग कर्म माने सब कर्म बंधन सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, तब हमें ये कैटरपिलर में रहे हुए आत्मा को सभी कॉन्शियस है, जेंडर कॉन्शियस है, वर्क कॉन्शियस है, कंट्री कॉन्शियस है, कलर कॉन्शियस है, कास्ट कॉन्शियस है, सभी कॉन्शियस, कौन सा कॉन्शियस हमको चाहिए, सोल कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस में ही देखो जैसे कमाल कोठी उस कैटरपिलर को भू भू करने के बाद बटरफ्लाई बनाती है, ऐसे बाबा ने भी हमको भू भू करके इन दादियों से इन दीदियों के द्वारा, हमने तो माँ दादा की पालना इन अव्यक्त रूप से पड़ी पाई, तो उसके बाद उन्होंने सब हमारे को ऐसे बनाकर जब फरिश्ता उड़ने की अवस्था में पहुंचाया, तो अभी तो हम उस कर्मातीत स्टेज में तो हम नहीं, पर हमारे साथ साथ इतने एडवांस सोल कर्मातीत अवस्था में पहुंच गए नहीं, पहुंचे ना सभी। तो इस प्रकार वहां बैठ करके अब वो आए हैं, तो सबसे पहले कौन सी कर्मातीत अवस्था वाली गई, देखो आप सबको मालूम है कौन गई कर्मातीत अवस्था वाली, सबसे पहले कौन गई, सबसे पहले देखो कि मम्मा गई नहीं, और विश्व किशोर भाव भी गए, उन्हों गए तो उन्हों चले गए, क्यों उन्हों चले गए, और उसके बाद और जाते 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 अभी तो एक रत्न मोहिन दादी रह गई अपने पास, ठीक है ना, सभी चले गए एडवांस रोल में, सभी बैठे हुए हैं। और क्यों गए वो, क्योंकि सबसे पहले ऊपर में जा करके वो आत्मा इस धरती पर आने के लिए जो एनेक्स बर्थ बोलते हैं एडवांस होल का, एनेक्स समझते हो ना, कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसके लिए कोई शेड छोटा छोटा बनाकर तो उसी सब मेटल सामग्रियां सब रहते हैं। एनेक्स बर्थ की सीक्रेसी यही है कि सीक्रेट यही है कि इट सपोर्ट फॉर द बिग कंस्ट्रक्शन,
जो इस धरती पर स्वर्ग आना है, हेवन आना है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, फिर इसमें एक केवल बीके नहीं गए हैं, नॉन बीके भी गए हैं, जो संबंध संपर्क वाले भी गए हैं। तो उसमें देखो साइंटिस्ट का भी टीम जा रहा है, अब्दुल कलाम जी मेजर साइंटिस्ट थे, और माथुर डॉक्टर माथुर भी बहुत बड़ा नामी ग्रामीण साइंटिस्ट था, जो पहले उन दिनों उसने ज्ञान लिया था, और हमारा देखो साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग ग्रुप भी है, वो सब जाएंगे, ना कि सूरत वाले ज्यादा जाएंगे, सूरत ज्यादा गुजरात के सूरत के समझते हो ना, क्यों सूरत जाएंगे, क्योंकि उनके पास डायमंड साइमंड की चीजें सब है ना, वो लोग डायमंड, और फिर बम्बई के बहुत ज्यादा ज्वेलर होते हैं, ज्वेलर लोग भी वहां जाएंगे, देखो फिर पुष्पक विमान बनाने का काम ये है, तो ये सब चीजें हैं, सब तैयारी भगवान करा रहे हैं। परंतु अब आप जाइए, हम परम धाम में पहुंचे, तो सभी परम धाम में चलिए, चलेंगे सूक्ष्म वतन होते हुए बिल्कुल विशाल झुंड पर, आगे आगे शिव बाबा, उनके साथ ब्रह्म बाबा, और सब जो मेन मेन सत्य की दुनिया के आधार स्तंभ है, जो कि श्री कृष्ण के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ, राजाएं के समय में उस डिवाइन सेरेमनी का पूरा इनॉग्रेशन करने वाले आत्मा सब परम धाम में जाते हैं। तो उस सीन को अपने सामने लाइए, और परम धाम में जैसे हम पहुंच गए तो बिल्कुल 800 करोड़ समझो अभी के हिसाब से, जो वर्ल्ड में 7.9 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो उसमें सिर्फ नीचे केवल 15 लाख आत्माएं बाकी रह जाएंगे, और सब ऊपर में जाएंगे। अब वहां से कुछ ही समय रेस्ट करके हमारे आगे आगे कौन होंगे वो देखो, कि ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो श्री कृष्ण का रोल बजाने के लिए हमारे साथ बिल्कुल जा रहे हैं। अब हम उनके साथ जो भी सत्य की दुनिया के 9,16,108 जो पब्लिक जो होनी है, राजा से भी सब, जो हम सब आत्माएं शिव बाबा से विदाई लेकर के 84 जन्म की यात्रा के लिए सबसे पहले पहले इस धरती में आते हैं। धरती बिल्कुल ही साफ हो करके ऐसी सुंदर नगरी है, जहां पर पहले पहले जो संगम युग में विश्वकर्मा का रोल ब्रह्मा बाबा ने बजाया, सुप्रीम इंजीनियर तो शिव बाबा है, उनने सब साउंड माइंडेड बना करके भेजा है। तो हम जब धरती पर अवतरित हुए, केवल अफगानिस्तान से बर्मा का भाग यही पीपल के पत्ते के समान बना रहता, और तीन भाग सारा जल में निमग्न हो जाता महाविनाश के बाद। इस पीपल के पत्ते पर समझे, इस लैंड पर, इस धरनी पर पवित्रता का अवतार बन करके सबसे पहले श्री कृष्ण की जन्म, और उनके साथ साथ ही समझो राधे और सब भी देवात्माओं का जन्म हो लेता है। सत्य की श्रेष्ठाचारी माँ के गर्भ में हम सब जा रहे हैं, ये अनुभव करो, और उनके गर्भ से अब जैसे हम जन्मते हैं तो सुख शांति की, प्रेम की, आनंद की सहनाइयां बजने लगी, और श्री कृष्ण स्वयं ऐसे गाइडेंस करते उस समय कि जब हमारे धीरे धीरे टेक्निकल टीम और टीम और टीम के साथ गाइडेंस होते होते, फिर जो है ना कुछ पुष्पक विमान सब चीज का निर्माण सब चीज होने लगता है, क्योंकि वहां ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि परफेक्ट पर्सनालिटीज आर कमिंग ऑन द अर्थ। तो उस आधार से सब बनाने के बाद अब देखने लगे कि कुछ प्लेने उड़ती हैं जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी उड़ने लगती हैं, क्योंकि वहां सब ज्वालामुखी और भूचाल फूटने के बाद अनंत सोने की खादियां सब चीज दिखाई पड़ती है। ये सब देखो हिमालय का माउंट एवरेस्ट का ही वो परम भाग्य है, बाबा ने बहुत बार बोला हुई होगा। और नेपाल में एक ऐसी नदी है गंडकी नदी, जिसके रेती के रेती में बह करके कुछ सोने के ऐसे पार्टिकल भी अभी अभी भी आते हैं पिछले दिनों में, उसके लिए बहुत सिक्योरिटी लगाई थी, पर देखो वो उसके उस धन में अभी भी ऐसी चीजें हैं। तो उस प्रकार से समझो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब आप देखिए पुष्पक विमान में हेमा दीदी और वैशाली दीदी, ये क्या होंगे, कपल होंगे ना तो इनो इनो का जो है ना
सिर्फ फैमिली साइज का समझो, फिर दो बच्चे तो बाद में होंगे, फैमिली साइज का इनका पुष्पक विमान है इसमें ये है, और उसके साथ साथ जो भी इनके समझो बाकी तो अपने मम्मा बाबा उनके तो पूरा बाद में पूछो वो सब भी है। तो इस सब आधार से जो जो भी अपने पद वाले हैं, तो जो क्योंकि अष्टरत्न और नवरत्न, नौ का महत्व क्यों है बताओ? सीक्रेट्स ऑफ नाइन बोलो, कौन बता सकता है सीक्रेट्स ऑफ नाइन बताओ? सीक्रेट्स ऑफ नाइन, नौ ऐसे अविनाशी डिजिटल है, डिजिट है नाइन, जिसको जितनी बार भी मल्टीप्लाइड करो नौ ही होता है, इसलिए अमर और अविनाशी डिजिटल नंबर है ये। नौ मल्टीप्लाइड बाई टू कितना होता है? 18। वन और नाइन 19, एट और वन 19, नौ तीन 27, नाइन थ्री जा 27, टू और सेवन 9, नाइन फोर जा 36, थ्री और सिक्स 9, ओके नाइन, लाइक दिस वे यू गो अप टू 81, 8119, लास्ट 9 मल्टीप्लाइड बाय 10, देन 19, देन 109। तो ये नवरत्नों की अंगूठी, नव का इतना इतना माने महत्व का मतलब ये है कि अष्टरत्न, वो अष्टरत्न अपने आदरणीय दादी और दादा लोग हैं, उनके साथ नवरत्न माने बाबा, तो इन्हों का ही महत्व है सारा सृष्टि में। ये अमर और अविनाशी होने के कारण डिजिटल वर्ल्ड में भी देखो, ये कभी भी कितनी बार मल्टीप्लाई करो इतना इसका वैल्यू चेंज नहीं होता, ना ही नहीं रहता है। जैसे देखो कि गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड में कुछ चीज नहीं टिकता है, जो बेदाग हीरा देखो, जो इस प्रकार का ये चेंज, ये 9 डिजिट के महत्व ये है। और अब देखो सत्युग में, अब अपने आप को देखो कि जब आप सोने के फर्नीचर के ऊपर सोने के महलों में 108 प्रकार का भोजन खा रहे हैं, कैसा है वो जूस? आपका अमेरिका का जूस है कि स्वर्ग का जूस है? बढ़िया है, देखो बताओ वहां जूस होगा, कितनी एनर्जी, बिल्कुल एक ही साथ ऐसी एनर्जी जाएगी बाद में पूछो। और कैसे कैसे हम भोजन पदार्थ, कैसे कैसे सिंसिनरी जब देखेंगे, तो वो सब अनुभूति अभी हमारे माइंड में इमर्ज होती है, जो अभी इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड फॉर्म में आती। तो उस प्रकार हम चलते 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 जाते हैं। तो देखो मुख्य बात, देखो मम्मा पहले शरीर छोड़ के क्यों गई बताओ? क्योंकि मम्मा का अपना चाहने जो भी है, कोई भी ये ज्ञानी सोल जो भी गए हुए अभी, वो ज्ञानी सोल ज्ञान में आते ही नहीं, उनका ज्ञान में आने का पार्ट वो लास्ट बर्थ हो गया पूरा। और वो क्या करते हैं, वो किसी से भी कैसे कैसे कराना, और जैसे दो वचन बाबा ने बोले थे, जहां ये आत्मा जाएंगे, जहां जन्म वहां जीत, इसका अर्थ समझते हो ना, जहां जन्म और जीत, और देवताओं की क्या है, जहां जीत वहां जन्म। ये सोल जब आएंगे ना, आते ही उनके माँ बाप ने समझो भोग विलास से थे, समझो जन्मेगा, समझो एक ब्रह्मा बाबा है जो भोग विलास से अभी नहीं जन्मता है, और एक गुलजार दादी है जो नहीं जन्मे है, समझो और तो सभी जन्मे है ना, यहाँ मम्मा भी जन्मे, दादी प्रकाशमणि भी जन्मे, मोहिनी दीदी भी जन्मे, सभी 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 दादियों का जो भी दादा है वो सब जन्मे ना यहाँ पर। उनको वो जन्मते ही क्या होता है कि उनके घर में अब कोई भी चीज ऐसा विकारी चीज हो गई, तो वो जहां जन्मे वहां क्या होती है, जीत। क्योंकि उनके अंदर जो योग की पावर है, पवित्रता की पावर है, तपोबल का बल है, जो भगवान से पूरा लेकर के आते हैं, उसके बाद उनकी प्रकृति दासी। तो इस प्रकार से जो भी चाहे जन्म देते हैं उनके, उसके बाद जो योग से जन्म दे करके फिर ये जन्म दिया, और बच्चे को जैसे देखो सत्युग में मैं वहां भी देखता था, एक जो भी बच्चा रानी बच्चा देती है, जिस राजकुमार को भी बच्चा दे, उसकी लालन प्यालन होती है धाई माँ, वो नंबर वन माँ होती है, केयर टेक केयर माँ, और उसका भी एकदम ताज होता है, मुकुट होता है, सब चीज होता है, उसका बहुत ही रिगार्ड रेस्पेक्ट रखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी जिन जिन आत्माओं ने अपने कर्म बंधन को सभी को पूरा किया है, और जो अपने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, उन्हों का वो जन्माने का रोल है। तो देखो जन्माने वाले भी महान है ना, तब उनके तो छब ये लोग जब बच्चे उनके गोद में डाल के ये लोग छोड़ते जाएंगे, शरीर छोड़ते जाएंगे, और उसके बाद फिर उनको फिर आ जाना है। तो इस प्रकार जो सत्युग की दुनिया का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, अष्टरत्न तो वही है जो पूरी ट्रिब्यूनल में बैठेंगे। ट्रिब्यूनल हमारी कहाँ बैठती है वो तो आप सब जानते हैं, कहाँ बैठती है ना, सूक्ष्म बदन में हमारी ट्रिब्यूनल बैठती है। परंतु देखो ट्रिब्यूनल में भी जब हैं तो हमारी फर्स्ट ट्रिब्यूनल कौन है बताओ? आप सबकी फर्स्ट ट्रिब्यूनल कौन है?
आपकी दीदी, हमारी दीदी जिसके पालना है उनके पास हमारा पूरा चार्ट होता है कि नहीं, उनके पास भी हमारा है थोड़ा, एक तो ट्रिब्यूनल वो भी है, वो हमारा लोकल ट्रिब्यूनल है, फिर उसके बाद जो सब जोन वाले होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल वाले, उसके बाद ऊपर आते हैं फिर हाईकोर्ट वाले हैं ट्रिब्यूनल है, उसके बाद आते अपेलेट कोर्ट आते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो वही अष्ट रत्न है सुप्रीम कोर्ट। पर उसमें देखो अब जैसे यहां पर सृष्टि पर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानसभा, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट्री और स्पीकर, तीन बॉडी, उसके ऊपर में शिव बाबा है। तो इसलिए इस सेक्रेट को समझने के लिए हमको देखो, हम समझते थे ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवता हैं करके, पर बाबा ने क्लियर बता दिया। क्या बताया? देखो ब्रह्मा का ही, ब्रह्मा सरस्वती का ही रोल है, ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और शंकर महादेव तो कुछ है ही नहीं, वो तो हमारी ज्वाला स्वरूप स्थिति, पवित्रता की चरम स्थिति का रूप ही वो है, और उसी रूप से ही हमें सारा संसार का ध्वस्त कर देना है, विनाश। तो वो परिवर्तन की बात है, चाहे विक्रम पर्सनल विक्रम करो, चाहे ओल्ड रिनोवेशन करो। तो इस आधार से हम सत्य की दुनिया में उस आधार से सब रहेंगे। तो वो आगे जा करके देखो, धीरे धीरे हम जब सत्य की शुरुआत भी ब्रह्मा बाबा ही करता, और भक्ति की शुरुआत भी ब्रह्मा बाबा ही करता, भक्ति की शुरुआत करने वाला राजा विक्रमादित्य भी ब्रह्मा बाबा ही है, देखो ये भी बहुत बड़ी सीक्रेट है। और फिर हम समझते थे आज तक वेद व्यास ने लिखा गीता, पर वेद व्यास बाबा ने बता दिया, वेद व्यास तो जगदीश भाई है, जगदीश भाई वेद व्यास का रोल बजाएगा वो। तो शुरू में वेद व्यास ने लिखे हुए जो बहुत ही कम श्लोक थे, आज तो लाखों श्लोक का जो हो गया है देखो। तो इस आधार से देखो हर चीजें करते 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 आए ना, जब हम द्वापर युग में पहुंचे, तो द्वापर युग में पहुंचने के बाद इधर ये जो है ना सत्य की दुनिया की जो सभ्यता, ये बिल्कुल पूरा खत्म होकर के फिर हमको समझते कि अरे ये तो स्टोन एज में पहुंच गया करके, आज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें आती है स्टोन एज, पर स्टोन एज नहीं है, होगी उसमें भी डिविनिटी है, उसमें भी सब चीजें हैं। तो उसके आधार से शब्द बना। फिर देखो आप देखते कि जो हमारा सौराष्ट्र में ज्योतिर्लिंगम है, जिसको हम सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, इस सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग में जो ऊपर में जो सीक्रेट देखो आप समझो, जो कोहिनूर डायमंड उसके ऊपर लगाया हुआ है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में जैसे कि कोई ज्योति का शिवलिंग के दर्शन की बात आती है, फिर उन्होंने उत्खनन करने का, अरे इसमें तो ज्योति नहीं है क्या करूं, फिर वो कोहिनूर डायमंड कहां से आया बताओ, किसको मालूम है? आंध्र प्रदेश का है कोहिनूर डायमंड। इसीलिए बाबा ने सारा विश्व के सेंटर के बीच में यहाँ का चीफ मिनिस्टर वहां ले जाकर के उनको एक दोसल्ला उड़ाया था, एक सौगात दिया था, एक कोली का डिब्बा दिया था, बस अपने आदरणीय कुलदीप दीदी जी, उनकी स्पाउस और वो चीफ मिनिस्टर तीनों हेलीपैड में गए थे, हेलीकॉप्टर में गए थे, वहां हेलीपैड में लैंड करने के बाद जैसे, तो दादी प्रकाशमणि जी ने उन दिनों देखो पूछा कि गुलजार मैंने जो है उस चीफ मिनिस्टर आ रहा है उसके रहने की व्यवस्था यहाँ की है, जाओ बाबा को पूछो। बाबा ने बोला अष्टभुजा में रखे, बाबा ने बोला इस बच्चे को यहाँ नहीं रखो, गुड़ जाने, गुड़ की गोथड़ी जाने, नहीं वही है ना सब बिल्कुल ऋषि सबकी जानने वाला जन्म पत्र उसके पास है। तो बाबा सबकी अष्टभुजा में बहुत A1 तैयारी, नहीं नहीं इसको नहीं रखो। तब दादी भी गई, सब गए वहां मिनिस्टर क्वार्टर में, ज्ञान सरोवर दिए, ज्ञान सरोवर जैसे ब्रेकफास्ट करने के मॉर्निंग में उसको दिखा रहे हैं ब्रेकफास्ट के बाद, उसको लगा वाह बाबा वाह, देखो उसको कैसे करंट देना है बाबा ने। फिर बोला दादी माँ ऐसी मैंने एकेडमी साउथ में मेरी कैपिटल सिटी हैदराबाद में इस्टेब्लिश करूँ। अरे भाई भैया वहाँ की जमीन बहुत महंगी है, कैसे ये आध्यात्मिक संस्था अफोर्ड करेगी? तब देखो उसने बोला दादी माँ अगर जमीन की व्यवस्था होगी तो बनाओगी ना, वो बाद में देखेंगे, कौन जानता है ये होना था कर। आज मैं आपसे मिलने का परम सौभाग्य, यही भूमि ने दिया ना, आप ही यहाँ आए आपको दिखाने का निमित्त बनाना, देखो ये भी परम सौभाग्य है। फिर बाप दादा से जैसे मिला, बाप दादा ने ऐसी करंट दी उसको, तो बात मत पूछो क्या करंट से उसको नहला दिया, पूरा डिवाइन चीजें वही डायमंड हॉल में मिले थे, 2001 की बात है ये। मिलने के बाद उसकी मिसेज सबको मिलने के बाद फिर विदावादी हुई, यहाँ आते ही कैबिनेट डिसीजन करके देखो 34 एकड़ फॉर्मली लैंड दी और 6 एकड़ हाई टेंशन लाइन के नीचे 40 एकड़ हो गई जमीन। और उन दिनों देखो यहाँ की जमीन का दाम ही करीब 25 लाख होता होगा पर एकड़ का, आज तो देखो करोड़ों में
30 करोड़ से अधिक करोड़ का वो चाहे एक लैंड का कॉस्ट है, तो इतनी भूमि देने का मतलब देखो इसका श्रेय किसको जाता है, वही जो है ना कोहिनूर डायमंड की धरनी होने के कारण ये चीज बाबा ने यहाँ खींचा। तो हैदराबाद सिंध में इसकी शुरुआत हुई, हैदराबाद साउथ में डेक्कन में इसकी अंत होने का ये भी देखो एक योजना है लास्ट का। इसीलिए आप सब यहाँ आए, ये महातीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ है, यहाँ आकर के आपके चरण डाल के गए तो आपकी भूमि ये आबाद है आपके लिए। देखो सब ऐसे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से देखो हम चलते चलते आए तो वहां की भी देखो इसकी स्पेशलिटी देखो कि कोहिनूर डायमंड को निकालने के लिए भी जब संसार ने उसके लिए किया, वहां का उसका पुजारी ऐसे अंकमाल करके बैठता है जब मोहम्मद गजनवी आता है तो उसको बोला छोड़ छोड़, नहीं छोड़ूंगा मेरे परमात्मा, मैंने सोमनाथ है बोल रहा है वो, नहीं छोड़ूंगा बोला, इसने कुल्हाड़े से उसके सिर काट के वहीं पर लहूलुहान कर दिए। देखो वो चीज भी हुई संसार में देखो, पर अब लगा इनका अगर ये गॉड होता तो ये बचाता, इसके लिए कुछ नहीं है, चलो फिर शिवलिंग में हाथ रखना, शिवलिंग तो उठे नहीं। तब उनको ये सिगरेट लगा, ओ बाबा इसमें क्या है जादू, अभी भी जादू है। तब उसने दीवारों को तोड़ने की बात बताई और लास्ट में जाकर के वो नीचे गिरा। इसका मतलब समझते हो क्या था, वो मैग्नेटिक फील्ड में फिट था उन दिनों 2500 ईयर से। तो इस प्रकार अनेक चीजें देखो ये सब आते हैं जो भी बाबा ने किया। तो उसके बाद आते आते देखो हम यहाँ आकर जब कलयुग में आने के बाद पूरा पहुंचने के बाद जब हम संगम युग में बाबा की दुआ आशीर्वाद में हम पहुंचे, अब देखो ये महान आत्माओं की जो सिगरेट की बातें सुनो अभी। अब देखो सतयुग में जो हमारी राजकाज की बात थी वो बात को हम सुनते हुए देखते आए, और सतयुग में ये भी बताओ एक बार उधर भी ले जाऊंगा आपको, वहां कोई गुरु गोसाई आपके ताज मुकुट को धरेगा क्या कोरोनेशन सेरेमनी में? नहीं, कौन रखेंगे? कल ही मुरली में बाबा बोल रहे थे कि उनके माँ बाप ही उनके सिर पर रखेंगे, समझ गए ना। तो यही जो माँ बाप सिर में रखते हैं उनका जो कोरोनेशन, यहाँ यही चीज हमें इस संगम युग में बाबा सबसे पहले बाप का दिल तख्त नशीन बनाते, फिर उसके बाद सेवा के जिम्मेवारी के ताज तख्त भी देते, तो यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनाते और विश्व राज्य अधिकारी का भी ताज अभी चढ़ा करके हमारे अंदर फिट कर देते हैं। इसी के आधार से ही हम समझो सत्य की दुनिया की सब प्रालत का हम सुख भोग भोगेंगे। पर उसमें भी देखो एक बात ये चीज है, अब हमने जो सत्य में जो सुखचैन की बंसुरी कृष्ण के हाथ में देखी है, अब उसको हम अभी मुझे अभी समझ में आता है कि ओहो हरिप्रसाद चौरसिया से इतनी अच्छी मुरली बजाता है, उसकी तो बातें मत पूछो, उसकी धुनी देखो आपने सुना होगा, पर कृष्ण क्या 24 घंटे ये प्यापो करता रहेगा क्या? तब मुझे मालूम आएगा अच्छा क्या है ये। तब मैंने एकदम विचार सागर मंथन किया तो मुझे लगा कि नहीं इसमें 6-7 छेद है ना, तो सारे गम पद नहीं, 7 छेद होते हैं ना सारे गम पद में, 7 हो ना सूत्र, 7 होते हैं, 7 होल है, इतने हवा देता है वो 8वां है, पर उसके अष्टरत्न की बात है, फिर 7ों के तो महत्व होता है सारे गम पदनी का महत्व, तो 7 गुणों का प्रधानता ही वास्तव में ये सुखचैन की बंसुरी का प्रतीक है। ओह माय गॉड, अब मेरे माइंड में फिट हो गया वो चीज। तब उसी चीज को मैं शेयर करता हूँ कोई भी भाई बहनों को, क्यों कृष्ण के हाथ में मुरली दिया ये 7 गुणों की स्वतः प्रधानता की स्टेज। फिर दिखाया अब उनके हाथ में मक्खन दिखाता था, इसकी बात भी मेरे, क्योंकि ये संगम युग में आने के बाद यह सब होमवर्क मिला। नहीं क्या है, सृष्टि का सबसे नंबर 1 प्रहलाद का मक्खन खाने का जो बच्चा था उसको हम लोगों ने क्या बता दिया, घर में घर घर में जाकर के मक्खन चोरी करता था। इसीलिए बहुत लोग उनके और धर्म वाले लोग बोलते हैं आपका तो एक चोर एक कमजोर बोलते हैं, कैसी बात करते हो, कमजोर मने राम को जिसकी औरतें भगा कर ले गया, चोर मने श्री कृष्ण को देखो बोल दिया मक्खन चोर। अरे बाबा ये सारा ओल्ड का क्रीम प्रहलादों का बर्थ राइट गोल्डी बर्थ राइट का क्रीम उसने लिया, उसकी बात एक मक्खन चोरने वाले के साथ लगा दी, तो आपको फिट होता है। जो विश्व महाराजन है जिसके लिए तो दूध घी की नदियां बह रही हैं, गाय और बाघ एक ही घाट में पानी पी रहे हैं, जो इतनी प्रकृति दासी की सृष्टि में है वो घर घर में किसी का मटका फोड़ेगा और मक्खन, अरे भाई ये देहर भी देहवान का मक्खा मटका फोड़ करके इसमें प्रहलादों का मक्खन रख करके जब भरपूर हो जाता है तभी देखो उसको बोलते हैं कि हे कृष्ण तेरी बंसुरी में एक तू मधुरता की ज्ञान मुरलीधर बन करके इस संसार में देखो ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर के। एक बार मुझे ये याद आती, एक थॉट रीडर आपके अमेरिका से आया था,
वो भाई बहुत बड़ा थॉट रीडर था, तब उसको दीदियां इनवाइट करके माउंट आबू में लाए थे। माउंट आबू में लाने के बाद वो जब बाप दादा के साथ मिल रहा था ओम शांति भवन में ऊपर, वो एक एक शब्द निकल रहे, केयरफुली यू आर वॉचिंग, और समझा ओ माय गॉड हिज थॉट्स आर सो एलिवेटेड, सो पावरफुल, सो पॉजिटिव, इज रियली गॉड। उसने पूरा तभी विश्वास किया, पहले तो समझो समझा समझो करके इधर उधर करके ले आए थे, जब उसके साथ बाबा के साथ मिलने लगा तब। तो इसी प्रकार देखो, हमने हर चीज की वैरायटी बाबा से ही पाई है, बाबा से रसपान किया है, चाहे ज्ञानामृत का रसपान किया, योगामृत का रसपान किया, या गुणमोती की धारणा की, या हमने सर्वशक्तियों का श्रृंगार पाया, सर्व कलाओं का श्रृंगार पाया, 32 लक्षण का श्रृंगार पाया, सर्व गुणों का श्रृंगार पाया, इतने सब रत्नों से अभी बाबा ने झोली भर दी। तो देखो दुनिया में तो बोलते हैं, एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर चिल्ला रहा है, हे प्रभु मुझे सदगति दो, क्या करूं मैं बहुत तकलीफ में हूं। तो फिर भगवान प्रकट हुए, क्या है कि मेरे को इतना है कि मैं इतना दुखी क्यों हो गया। अच्छा देखो मैं सीक्रेट बताऊं, बोला क्या है, दो बैग देता हूं तेरे को, दो बैग, हाँ ठीक है, तो ये कि आगे रखना एक पीछे, इसमें तेरे सब अवगुण है, तेरे सब डिफेक्ट है, तेरी सब वीकनेसेस है, इनको हर एक दिन एनालाइज करते 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 सब फेंकना, और ये पीछे सबके अवगुण का बैग है, इसके तरफ ध्यान ही नहीं देना। ठीक है प्रभु मेरे ऊपर कल कृपा हुई करके रखता है। और जैसे ही रात में सोया था, क्योंकि डाल के ही सोता था वो भी जेब बैग को, तो ऐसा हो गया वो पीछे का आगे 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 का पीछे हो गया, अब अनकॉन्शियस टाइम में तो हो ही जाता है ना ऐसा, देखो फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, वो है, ये है, ये है करके बात फिर शुरू करने करने करते करते तो उसका तो माइंड भर गया। अब जब सबसे संसार में सबसे बड़ा पोल्यूशन क्या है, मेंटल पोल्यूशन, तो मेंटल पोल्यूशन ही तो हम सारे लोगों को आज परेशान किया है। ये कोरोना क्यों आया धरती में, देखो मेंटल पोल्यूशन का कारण है इसी से, क्योंकि आत्मा कमजोर हुई, व्यर्थ विचारों में गई, अब छोटी छोटी बातें बारिश बारिश करके सब मास्क पहन के उसके अंदर बैठे हैं, जैसे कि हेलमेट लगा रहे हैं, सत्य की देवता आएंगे ना से क्या ये लोग ऐसे ऐसे पहने, जैसे देवता दादी में सोल आती थी, करीब चाहे करीब 40-50 दिन तक रही उनके दिन, वो चश्मा पहने हुए को हंसती थी, क्या चश्मा पहने ऐसा होता, पगड़ी पहने हुए सरदार थे उनसे देख हंसती थी, और उसको कुछ भोजन नहीं खाया, बिल्कुल ऐसे ही चम्मच में उसको दे करके वो करती, सिर्फ फ्रूट जूस इत्यादि खाती थी। देखो ऐसी ऐसी दुनिया में बाबा ले जा रहे हैं, तो हमको कहाँ पहुंचा दे, हम कहाँ पहुंच गए थे। तो इस आधार से देखो फिर प्रकट हुआ भगवान, फिर प्रकट हुआ तो बोलता है क्या है, क्यों दुखी है तू, अरे प्रभु क्या किया, मेरा तो ये बम हो रहा है ये माइंड, क्या हुआ, इतने अवगुण भरे हुए मेरे हृदय हृदय हैं, मैं कैसे इनके साथ रह करके बचूं। अरे बेटे तू कैसा है तू, मैंने तो इसको पीछे रखो बोला था ना, है अब देखो। तो हम के वो सोचिंतन, आत्मचिंतन, गुण चिंतन, शक्ति चिंतन, ज्ञान चिंतन, नहीं लक्षण चिंतन, स्पेशलिटी चिंतन, पॉजिटिव चिंतन, यही चिंतन हमारे लिए अमृत का पान है। इसी के कारण देखो बोलते हैं, एक तरफ असुर एक तरफ देवता ने सारा निमंथन किया, पर देवता थोड़े कनिंग थे, चलाक थे, उन्होंने बोले आप लोग मुख्य तरफ लगो, सभी असुर को मुख्य तरफ रख दिया, मुख्य तरफ क्या आता था, पॉइजन आता था, तो पांच विकारों का पॉइजन के तरफ मदानी चलाने वाले कौन है, दो शिव के दो बच्चे दिखाते हैं ना सेक्रेट, आप समझो कार्तिकेन और गणेश, आप कौन हो, 33 करोड़ गणेश हैं, और कार्तिकेन कौन है, सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले, बाकी दुर्योधन जो भी यादव कौरव जो भी हैं वो कार्तिकेन है। वो लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, देखो भगवान को ढूंढने के लिए पूरा उनका पुष्पक विमान के बजाय, उनका पुष्पक विमान तो उनके पास हो ही था नहीं, वो तो हमारे पास रहेगा, इनके पास प्लेन है, अपोलो है, ये सब चीज से घूम रहे, जैसे उनका पीकॉक था ना वाहन था ना कार्तिकेय, इनका गणेश का वाहन क्या है, हमारे पास तो रैट है, कुछ भी नहीं है, पर हम भगवान के बच्चे होने के बाद, मेरे बाप ही है ना भगवान भर के, शिव बाबा ब्रह्म बाबा के सारा, ब्रह्मांड की माँ कौन है बोलो, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मांड का बाप शिव बाबा, यही तो हमारे माँ बाप, बाकी कर्तव्य कारण को मम्मा को बना दिए बाद में माँ, तो इनके चारों तरफ घेरने वाले हम, चाहे घूमने वाले हम कौन बन गए,
गणेश बन गए, इस धरती में अमर और आबाद बन गया। विशाल बुद्धि का प्रतीक हमारा ये गणेश का मतलब, बाकी कोई हाथी के सिर काट के थोड़ी रखेंगे वो, नहीं वो गणेश क्योंकि ऑब्जर्वेंस पावर है हमारे अंदर, ऑब्जर्वेंस की कला है वो चीजें, और दिव्य बुद्धि की कला। देखो मैं थाईलैंड में एक बार गया, थाईलैंड के उन सफारी वर्ल्ड में देखो एलिफेंट मैथमेटिक्स करता है, मुझे पसंद है वो बाबा, ये बाबा कही हुई बात ये, इसका मतलब उसका सिर, क्योंकि शंकर ने कोई चाहे दूसरे उसका सिर काट करके अपने बच्चे के सिर में लगाने, जब वो इतना कर सकता है तो वही सिर लगा देना था ना उसके, नहीं अपने बेटे के ऊपर गणेश का ही सिर लगा जोड़ देना चाहिए, जब वो हाथी का सिर काट के उसमें जोड़ सकता है तो अपने बेटे का, फिर अपने बेटे के बारे में नहीं जानता क्या, जबकि उनकी पार्वती बता रही थी हमारा बेटा क्यों मार दिया। देखो ये सब चीज हम सब सीक्रेट थे, देखो हमारा देह अभिमान का सिर काटा बाबा ने, नहीं विशाल बुद्धि बनाया है, ये सब चीज के हम समझते ये क्या कथा कहानी है सी। फिर उसके बाद देखो लास्ट में हमारे को ये आता है कि देखो महाभारत हो रामायण हो ये सब चीज के जब हम उसमें जाते हैं, सबसे बड़ा शक्तिशाली लास्ट में कृष्ण को भी आपत आ गई, पांडवों को भी आपत आ गई, कौन आया? बब्रुबान। बब्रुबान क्या है? उसके पास तीन तीर थे, एक तीर से कहीं भी निशाना लगाता है, दूसरे तीर को उसको मार देता है, तीसरे तीर से सारा संसार खत्म करने का उसके अंदर पावर में। वो क्या है बताओ, क्या चीज है? जिसके पास तीन बिंदी का ज्ञान है, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, यही है बब्रुबान सारा संसार के विजय। वो कौन है? हम है। इसीलिए बाबा ने उन्हें तीन बिंदियों के आधार से सारा तीन लोग के मालिक बना दिया, हमको तीन लोग के विजयी बनाए। तो वो चीज की आधार से हमको अभी समझ में आता है कि वो ये ईश्वरीय आचरण थे, ये भगवान के चरित्र थे, इन्हीं चरित्रों के कारण हमने इस संसार में इतना बड़ा सुख भोगा और इतना बड़ा अतीन्द्रिय सुख में हम रहे। तो ये चीज में अभी एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो अभी श्री कृष्ण जन्म लेने के बाद वहां अब उनको पढ़ाने वाले गुरु की बात ये दीदी ने बोले है, जो म्यूजियम की बात भी बताना भैया बोले हैं। अब बताओ, आप बताओ श्री कृष्ण को कौन सी दादी पढ़ाएंगे? आपको क्या लगता है मन में बताओ, कौन है श्री कृष्ण की दादी बनेगी जो सत्युग में? बोलो, वो चीज अभी राज प्ले है, हमको पहले राज नहीं था। पुराने वाले बोलो, 50 साल हाँ, से जो ज्ञान में है वो बोलो, बोलो जो 50 साल से है वो बोलो। बताओ भाई जी, श्री कृष्ण को पढ़ाने की कौन सी दादी का रोल होगा? बोलो एनीबडी प्लीज। हाँ दीदी नहीं बताना, दीदी आप नहीं बताना, आपने तो हमें बता दिया, मैं कैसे सीक्रेट खोलू। बताओ बताओ, आप बोलो कोई, एनीबडी प्लीज, जो 50 ईयर से है वो बोलो, कोई ना कोई, एनीवन द रिस्पॉन्स करो। भाई साहब हेलमेट वाले बहुत बड़े भाई साहब आ रहे हैं, बताओ भाई साहब। अच्छा मैं बता देता हूँ, चलो आपको क्यों इतना। वो दादी देखो मनोहर इंदिरा दादी ही उनके संदीपन का गुरु का रोल बजाएंगे, समझो जो शास्त्र में संदीपन दिखाते हैं ना। तो उनको देखो सत्य में कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई की बात नहीं है, थोड़ी सी पढ़ाई होती है, थोड़ी राजविद्या, थोड़ा आर्ट और कला की बात है वहाँ, और कोई नहीं, थोड़ा लैंग्वेज सीखेंगे वो चीज। तो वो काम जो है ना मनोहर इंदिरा दादी करते थे, करेंगे। मनोहर इंदिरा दादी का क्यों? ये तो बाबा बोलता था ब्रह्मा बाबा जब होते समय, ये बच्ची मेरे को सत्युग में पढ़ाएगी, हमने यही सुना है। देखो ये सुनी हुई बात है, किसी में पब्लिकेशन में निकला हुआ नहीं है, कहीं चीज है नहीं। देखो तो उस आधार से देखो उनका ही वो, क्योंकि यज्ञ का इतिहास इतना रमणीकता से सुनाती थी, हमको भाव विभोर करती थी, ब्रह्मा बाबा के प्रति प्यार पैदा करने की दादी कोई है तो शी वॉज मनोहर इंदिरा। मन को हरने वाले उनका नाम था, मन को हरने वाले सम बहुत ही, 300-400 जो नाम आए थे ये हैं सिंधी के नाम, परंतु इनमें अर्थ वाले नाम है सब, बाबा ने जो संदेश पुत्र के द्वारा भेज के भेजा था उस आधार। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अभी अब श्री कृष्ण की माँ और श्री कृष्ण का बाप का रोल आपके विचार में कौन कौन का लगता है? देखो क्योंकि सृष्टि चक्र में उनके साथ ही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का जो सानिध्य रहा, उससे हम समझ सकते हैं कि कौन कितने सानिध्य में रहा, वही तो उपालना देंगे सतयुग में भी। तो आप बताओ भाई साहब, में कोई भी बताना है तो बहनों के बताओ, बोलो श्री कृष्ण के माँ बाप का रोल कौन सी दादी का होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं आपको लगेगा ये कहाँ सूरज सिंह भाई, कहाँ शांति स्वरूप से ऐसी ऐसी बातें पूछ रहा है, बोलेंगे। पर ये भी जो मुझे मन में लगा है, जो मेरे बुद्धि को स्वीकार हुआ है, जो मेरे विवेक को लगता है, देखो ब्रजेंद्रा दादी
ब्रजेंद्रा दादी ने ब्रह्मा बाबा के बारे में इतनी सेक्रेट और इतनी चीजें उनको मालूम है जो कोई नहीं जानता ब्रह्मा बाबा के चरित्र के बारे में इस संसार में। क्योंकि यहां तक कि जब पीयू में शिव बाबा आते थे ना, पीयू में आकर के एक रात को ऐसी ऐसी बातें बताई कि ये है ऐसे स्थापना होगी, ऐसे विनाश होगा, ये होगा, सब चीज ए टू जेड लिखा है पीयू में आकर के। लिखा है तो लिखी लिख ली, पूरा पूरा लिखने के बाद पूरा कंप्लीट लिख ली है रात को ब्रजेंद्रा दादी। तब शिव बाबा ने बोला ये बात हैदराबाद सिंध पाकिस्तान के माउंट आबू की नहीं। तब शिव बाबा ने बोला देख ये बात तो ब्रह्मा को नहीं बताना। बाबा ये किस बात कर रहे हो, मैं ब्रह्मा को क्यों नहीं बताऊंगी, मेरा तो सब कुछ हाल हाल तो वो तो सब वो है। नहीं 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 बताऊ। तब बाबा नहीं मैं तो उनसे गुमराह तो कोई चीज कर नहीं सकती, फाड़ दिया। तब शिव बाबा को बताया कि नहीं, ब्रह्म बाबा को बताया बाबा ऐसे ऐसे पीयू में शिव बाबा आए थे, ऐसी ऐसी चीजें सब लिखाई मेरे को, पर उन्होंने बोला कि ब्रह्मा को नहीं बताना, इसको सीक्रेट रहने देना, कुछ चीज सीक्रेट रहने में फायदा है, देखो नहीं सीक्रेट रखने में फायदा है ना, सीक्रेट ही चाहिए सब चीज, पर वहां सीक्रेट सीक्रेट नहीं है, सत्य में सीक्रेट है ना कोई नहीं, ना दरवाजा ना सेब ना तिजोरी ना कुछ ना ताला ना कुछ कुछ भी नहीं, पर यहाँ तो थोड़ा सीक्रेट ही रखना होता है क्योंकि कब स्प्राउटिंग होगा बीज करके आने का है ना। जैसे जमीन के अंदर कोई सीड को डालते हैं तो बोलता है नहीं नहीं मैंने कौन का सीड लगाया है, फिर आता है अरे सीड पेड्डी का सीड आ रहा है, ओहो वो सबके आगे जग जाहिर होता है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने बोला बच्ची तूने गलत किया, रखती मेरे को नहीं बता दी, फाड़ क्यों की दिया है, उसमें तो बहुत बड़ा राज्य राज था, इतने बड़े शिव बाबा ने आकर के बताया, ज्ञान के सागर ने बताया, गुई गुई राज भरी थी, तो इस आधार से कुछ कुछ चीजें मिस हो गई। इसीलिए देखो अभी हमारे पास एक सीक्रेट ऑफ नॉलेज क्या है, देखो हमारे को बाबा ने 69 से अभी 2017 तक नहीं 2017 तक जो गुलजार दादी के द्वारा बताया, इतना बड़ा खजाना नहीं, पहले के तो 500 से ही देखो मुरलियां हैं, साकार मुरली और तो सब वहां कहीं खत्म करके आ गए, ऊंट के वो हैदराबाद से बक्से में डाल के लाओ इसको पूरे दो बच्चे बोल के द्वापर में, कोई जो जगदीश बच्चे का तो नहीं था, कोई व्यास लोग करें खुदाएंगे फिर उसके बाद शास्त्र वेद पुराण लिखेंगे, वही तो था ना। नहीं तो अभी उसके बाद देखो अभी यहाँ आकर के जब हमको मालूम पड़ा कि बाबा जो भी जो है ना 48 से अधिक वर्ष तक जो बाबा ने जो उनके द्वारा दिया ज्ञान की राज, इनके द्वारा सब राज खुल रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, देखो सीक्रेट बात है, 18 का इतना महत्व क्यों है बोलो, 18 का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे 8 और एक 9 ये भी 9 में आ जाता है, 18 का महत्व ये है कि देखो ये 18 का महत्व हमारे केवल चाहे गीता में इसका महत्व नहीं है, 18 अध्याय है, 18 पुराण रामायण महाभारत है, 18 पुराण है और 18 अक्षणी सेना है, देखो जो उधर ये कुरुक्षेत्र में लड़ी थी, सभी जगह 18 18 18 18 है। और 18 का ही देखो इस्लाम धर्म में भी 18 का महत्व है, जू धर्म में 18 का महत्व है, क्रिश्चियन धर्म में भी 18 का महत्व है, हमारे पास भी 18 का महत्व है, 18 हुआ ना। तो 18 में क्यों माने, 18 का मतलब देखो 18 जनवरी के दिन बाबा संपूर्ण कर्मातीत बन करके अपने वतन में उड़ा, तो इसलिए 18 का देखो महत्व ये हुआ। दूसरा 18 का महत्व क्या है देखो बताओ, दूसरा 18 का महत्व यही है कि ये ही 18 की बातें ही हमें समझो 16 कला से भी ऊपर ले जाने वाली है, जो उन्होंने आगे अपना आ करके देखो इस प्रकार से इस धरती में जो भी ज्ञान की बातें दी, ये सब चीज डाइवर्स माने डाइजेस्ट होते 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 फिर इस सृष्टि में हम लोग नहीं जाने समझो 18 पुराण लिखे 18 का अम्मा। अब 18 की बात हमारे को लगता है बाबा बोलता है नष्टो मोहा समृतिर लब्धा, कौन से अध्याय में है 18 अध्याय, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि देखो अब दांत की बात सुनाता हूं, सीक्रेट देखो, दांत होते हैं ठोस, टंग होता है सॉफ्ट होता है ना, पर दांत और टंग की बात चली कि दांत ने बोला देख मैं तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा करके टंग को बोला, टंग ने बोला कि देखो ऐसा क्यों बोलते हो भैया, मैं आपकी बहन हूं आप ऐसा क्यों बोलते हो, मैं तो चाहे आपके साथ ही रहती हूं नहीं। तो फिर उन्होंने बताया कि देखो मैं भी कहीं कुबाचे बोल दूंगी तो आपके टीथ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे,
होता है ना ऐसा, कभी वर्ड स्लिप हो गया, समझो तो बुरी बात बोल दी, उसके दांत तोड़ देते, तो उसके फिर दूसरी बात, जो चीज सॉफ्ट होता है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। जीभ आती है, बर्थ में आती है, लास्ट डेथ तक इस बॉडी के अंदर रहती है। दांत बाद में आते हैं, जल्दी जाना पड़ता है, पड़ता है कि नहीं? तो महात्मा गांधी अभी तक लॉन्ग लास्ट रहे भारत में, देखो उनकी, सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं चल। तो कड़ा का प्रतीक सुभाष चंद्र बोस है, बहु साबरमती का, देखो ऐसा व्यक्तित्व, महात्मा गांधी जी इतने सॉफ्ट और उनके अंदर थी वो चीजें रही। तो इस आधार से देखो, इसी संगमिक में जो हमें बाबा इतनी ट्रेनिंग दे रहा है, आंख की ट्रेनिंग क्या है, तो इससे अगर हम गुण ही सभी की दिव्यता, महानता और आत्मिक समृद्धि का ही विजुलाइजेशन करते जाएं, तो हमको लगेगा बाबा मेरे आंख तो शुद्ध हो गए, पावन हो गए। और फिर मुख की शुद्धता देखो, हम ऐसे मधुर वचन बोले ताकि दूसरे का दिल एकदम खिलखिला उठे खुशी से, बोलेंगे वाह इसकी क्या मधुर मोती है, मेरे को चाहे इतना खुशी दिया। देखो हमारा काम ही देखो खुशी और सुख देना है। अभी अभी हम देखो, जैसे कि हम चाहे एक फलतू वृक्ष है, बोलते हैं जान पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वहां कवि की भाव और भावनाएं पहुंचती। जान पहुंचे कवि वहां पहुंचे कौन, बताओ कौन बताएगा, बोलो सीक्रेट बताओ। जान पहुंचे रवि, जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचते हैं वहां पहुंचते हैं कवि की भावनाएं, वो हमें बाबा ने अभी सिखाया। और जहां कवि की भावना नहीं पहुंचते वहां कौन पहुंचे, अनुभवी पहुंचे, अनुभवी। तो आप सब भी ऐसे माजून हो, ऐसे बाबा के चरण एक रत्न हो, इतने अनुभव का खजाना हर एक का जीवन भागवत चरित्र रहते। वैसे बाबा बोलता है किसी का चरित्र नहीं, यहां तक कि कृष्ण का भी चरित्र नहीं, शिव का ही चरित्र है बोलते हैं ना, पर हमारे भी एक एक जीवन का चरित्र आखिर संसार में भागवत चरित्र के रूप में कोई देखो, क्योंकि खुदाई खिदमतगार बन करके हम सारा संसार की जब सेवा कर रहे हैं, देखो अब सबसे बड़े फरिश्ते तो आप हो, जो कि इतने बड़े दूर दराज में जाकर के बाबा के ज्ञान रत्नों का ये कारोबार कर रहे हो, और वहां से इतनी इतनी आत्माओं को इस शिव बाबा की जो है माला में, रोजरी में, इस डायमंड रोजरी में, इस स्वर्णिम रोजरी में, इस सिल्वर रोजरी में अंदर इंसर्कल करके करने के लिए ये सब सेवाएं कर रहे हो। इसलिए बाबा आपके किन शब्दों से देखो सबसे खुशी की बात आप सुनो, अभी दादी प्रकाशमणि और जानकी दादी जाने के बाद, कुछ समय गुलजार दादी भी, कुछ समय रत्नमोहिनी दादी भी, और सेकंड पर्सनालिटी कौन हुई बताइए, अभी बताओ, रत्नमोहिनी दादी के बाद सेकंड पर्सनालिटी अपने आदरणीय मोहिनी दीदी। देखो विदेश का किसी को भी बाबा ने, विदेश की आत्माओं ने जो सेवा किया है उनका वैल्यू बहुत रखा है। इसलिए आप सब विदेश में जो सेवा कर रही हो ना, आपने उस नैया को सात समुद्र पार ले जाकर के ज्ञान का अमृत बांटने का शुरू किया है ना, इसलिए बाबा के नजरों में, नैनों में आप इतने समाये हो कि बाबा इसलिए बोलते हैं मैं उन बच्चों के जो मेरे को विश्व कल्याणकारी का मेरा जो विशेषता थी उनको पब्लिसिटी करने का काम मेरे डबल फॉरनर बच्चों ने किया, उनको मैं नैनों में रख करके अपने घर पर धाम में ले जाऊंगा, बोला। तो आपका आसन कहाँ है बताओ, आप तो नैनों में हो, हम भी हैं। फिर तुरंत बाबा करेक्ट करता है, भारतवासी भी, पर फॉरेन वाले तो मेरे दूर दराज के बच्चे हैं, डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट सोसाइटी में, डिफरेंट सिस्टम में, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ में, सभी में होते होते केवल ब्राह्मण कल्चर के साथ जुड़ करके सब ने अपने पिता का समझे अपना हाथ पकड़ा। हाथ और साथ देखो, हाथ का मतलब होता है कि श्रीमत, साथ का मतलब होता है यार, ये चीज को समा करके हम अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस आधार से देखो एक बात समझ लो, हम कौन हैं बताओ, अपना अपना एक सोमान बताओ, आप कौन हो? आप तो अल्लाह अवलदीन के चिराग हो, आप तो बाबा के गले का हार हो, आप तो बाबा के सिरताज हो, आप तो बाबा जी के सिर मुकुट हो। आपके पास देखो जो बहनों ने चश्मा लगाए थे हैं, उसके कितने आंख है बताओ, पांच नेत्र हैं आपके, जिसके पास चश्मा है, जिसके पास चश्मा नहीं उसके तीन नेत्र हैं। तो पांच नेत्रधारी हो, त्रिनेत्रधारी हो आप, जाने मधुर मुख की वाणी बताते हो, ये मधुर मुरली बज रही है, ये चाहे कानों से हम सब सुन रहे हैं। तो इस प्रकार का हमारा एक एक अंग दिव्य हो गया,
हमें इतने चाहिए, सृष्टि के श्रृंगारकर्ता ने हमें श्रृंगार दिया, सभी गुणों से विशेषताओं से श्रृंगार करने के बाद हमारा जीवन क्या से क्या बना दिया। तो सदा अपने दिल से गाइए, वाह बाबा वाह, वाह आपने क्या हमारा जीवन बना दिया, हम कहाँ आपके गोद में खिल रहे हैं, कहाँ पहले रावण की गोद में हम दुख अशांति की दुनिया में जीते थे, पर हम तो अभी आपके नैनों में, आपके मस्तक में, आपके दिल में, और हम देखो ब्रह्मा भोजन, कौन सा भोजन खाते हो आप? शिव बाबा ने भाषणा देकर के ब्रह्मा द्वारा अपर किया हुआ ब्रह्मा भोजन खाने वाले, जो सारे ब्रह्मांड का राज और वाइब्रेशन शक्ति दे करके हमारी आत्मा के नस नस में डिविनिटी भर दी, नस नस में शक्ति भर दी, नस नस में हमारे को ऊर्जा भर दी, नस नस में चाहे सभी पावन और पूज्य भर के हमें ऐसी पावर दे करके भेज रहा है। तू जल का भी कल्याण करोगे, तू वायु का भी कल्याण करोगे, तू धरती का भी कल्याण करोगे, तू आकाश का भी कल्याण करोगे, तुम्हारी अग्नि ये भी महाप्रसाद बनाने के निमित्त बनेगी। इसलिए इस पंच तत्वों को भी सदा कभी ना कभी टाइम देना। आप पंच तत्वों को टाइम देंगे तो बाबा क्या बोलता है, मेरे विदेश वाले बच्चों को अगर मेरे साथ बुद्धि का लाइन क्लियर रहेगा, मैं बताऊंगा बच्चे अब इस प्लेन में चढ़ जाओ, अब हटता, अब बाबा के रूम में जाएंगे, बाबा बोले गो अर्ली इंडिया, ये थॉट्स आएगा, अरे बाबा बाबा अच्छा ठीक है, फिर टिकट मिलेगा, टिकट भी आसाम से मिल जाएगा, विशा में जाएंगे, विशा वाले ओ गो 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 बोलेंगे, क्योंकि वहां भगवान टचिंग कर रहा है मेरे बच्चों को। मैं तो बिल्ली के पुंगरे बच गए बोलते ना, हम बिल्ली के पुंगरे नहीं है, हम तो वो तिब्बता के पुंगरे है, हम वो तो महानता के पुंगरे है, हमें बाबा गोद में रख करके सबको बचाएगा। इसलिए जा को राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना भागा कर सके दिशारद बैरी होई, ये हमारी चाहने सार रूप में आज की आपसे मुलाकात है। मैंने आपका इतना महत्वपूर्ण टाइम लिया, आपको लगेगा सूरत भाई ने बहुत लंबी चौड़ी बात सुनाई, मैंने जो मेरे माइंड में आई है यही अमृत का प्याला आपके सामने रखा हूं। इसमें आपने लिया थोड़ी भाई जी, आपने तो दिया, फिर भी समझो ना आपने, फिर भी टाइम तो आपका महत्वपूर्ण है ना, आपका तो जैसे मिनट मनी बनती है, मिनट मनी नहीं, इस बेहद की सृष्टि में आप उससे ऐसे चाहे सुपर पावर के कंट के बच्चे स्थल में बैठे हो। देखो सान फ्रांसिस्को आप बाबा की शान, कैलिफोर्निया अरे बाबा आप तो क्या नहीं हो, सारा सृष्टि के फाउंटेन हो। तो इसलिए इस प्रकार से आप दिव्यता और महानता की भूमि में हो, आपका चरण वहां पड़ा है ना आपका चरण वहां पर, एक एक सम्राट बन के आएंगे, और दोनों दीदी तो हमारे डबल ताजधारी हैं, देखो नहीं हेमा दीदी वैशाली दीदी, हम पहले वैशाली ट्रेन में चढ़ते थे हमको वही याद था, परंतु तो आज हमें वो दिव्यता की महानता की शक्ति हमारे पास आई। आप सबको मधुर मधुरमय हृदय से कोटि कोटि बार आपको अभिनंदन करता हूं। आप सब आए, बाबा का घर आपका घर है, आप भी शांति सरोवर के मक्खन को रसपान करें, इस भूमि में आपका चरण टेक करके आप बुक कर लो, विनाश के बाद मैं भी यहीं रहूंगी करके बुक करो अपना यहाँ। ये बेहद का बम्बई वाले बोलते हैं हमें भी आना है दीदी रखना करके, कुल दीदी को बोलते हैं हाँ ठीक है जितना बनाओ, ये बनाते जा रहे हैं। देखो अभी जाने की स्नेह भवन में VIP अकोमोडेशन बन रहा है, देखो इनर स्पेस ऐसा है कि बाद में पूछो उसकी तो बात ही गजब है। फिर उसके बाद देखो स्टोर के नीचे 10 लाख लीटर का वाटर रिजर्वायर बनाया जा रहा है, क्योंकि बाबा को प्रेरणा है मेरे बच्चे आएंगे सभी कहाँ रहेंगे क्या खाएंगे करके। तो इस प्रकार से हर चीजें बनती बनती जा रही है। देखो 2200 का देखो ग्लोर पीस ऑडिटोरियम बनाया हुआ है, तो देश विदेश से बाबा के बच्चे आए आते हैं। ज्ञानी भवन से आपके साथ में मुलाकात कर रहा हूँ, देखो साक्षात्कार कर रहा हूँ आपका, देखो ये हम भूल नहीं सकेंगे, ये डिवाइन ड्रीम वर्ल्ड है। नहीं आप भी ड्रीम वर्ल्ड हो में हो, हम भी ड्रीम वर्ल्ड में है, पर उसका सबसे बड़ा ड्रीम का क्रिएटर हमारा बाबा, डिवाइन ड्रीमर बाबा है वो। आपके पास डिज्नीलैंड है पर हमारे पास डिविनिटी का लैंड है, देखो दोनों को कंपेयर करो, डिज्नीलैंड है ना अमेरिका भूमि पर ये डिविनिटी का लैंड है देखो। तो आप भी महान आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, सिलेक्टेड सोल हो, एक एक यूनिक इष्ट देव और आधार मूर्त विश्व के हो। कल्प वृक्ष के नीचे में आप बैठ के फाउंटेन के ऊपर बैठे हो, श्री कृष्ण का इन्वाइट कर रहे हो, आ जाओ पीपल के पत्ते में बैठे आ जाओ, बाकी तो दो मंकी आपस में वो होने के बाद फिर मक्खन तो प्रारंभ का मिलना ही है आप सबको।
ओम शांति।